भाई साफ कर दिया, होम ओपी गया। तो यार माना कि कभी कभार आपका दिन जो है पबजी में बहुत ख़राब होता है और आप उतरते जो है मर जाते हो, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभार जो है पबजी आपको खुद आके चांस देता है कि ये लो बेटा वेस्ट पकड़ो और ये रही आपकी बैरल और अब कुछ करके दिखाओ क्योंकि मैंने तुमको चांस दिया है। और ऐसे में बहुत सारे लोग आप में से ये डिसाइड करते हैं कि उनको जो है हेलमेट ढूंढना चाहिए, उनको जो है हेल्थ ढूंढनी चाहिए, नेट ढूंढना चाहिए, लेकिन नहीं। मैंने यहाँ पर सोचा कि अब पबजी ने मुझे खुद चांस दिया तो भैया इसको भुनाना तो बनता है। 60 एमओ को लेकर चला था मैं और यहाँ पर मुझे दो बंदे मिलते हैं जिनको कि मैं इस चांस के भुना देता हूँ। ये भाई साहब को अभी गन मिली भी नहीं होती कि इन दोनों को मैं नॉक कर देता हूँ। 30 एमओ के अंदर मैंने इन दोनों को नॉक किया जो कि पबजी ने खुद चांस दिया था भैया उतरते ही जाके पेलने का, तो भैया कैसे छोड़ सकते थे यार इनको इजीली मारने का। मैंने इनको नॉक करके छोड़ दिया पर पूरा मारा नहीं क्योंकि मेरे पास सिर्फ 30 एमओ बची थी। मैंने अपने एक टीममेट को कॉल दे दी कि भैया तुरंत आए मेरे साथ, भले तुम्हारे पास गन ना हो हम देख लेंगे लेकिन तुरंत मेरे साथ आओ, बाकी के दो बंदों को मारना है बची हुई 30 एमओ के अंदर। तो ऐसा बहुत कम बार होता है कि पबजी आपको खुद ऐसा चांस दे और यहाँ भी किस्मत भी मेरे साथ थी, एक और AKM मिल गई, अब तो एमओ की कमी भी नहीं थी और दूसरा टीममेट तो मेरे साथ था ही। खैर उस तरफ काफ़ी फाइट हो रही थी तो हमने सोचा कि क्यों ना जो है बीच बचाव किया जाए। उधर एक पेड़ पे मुझे बंदा शो हो जाता है पीछे से ही, अब मैं सोचता हूँ कि उसको मारूँ या फिर पहले यहाँ पे जो बंदे हैं उनको मारूँ। तो वहाँ पे जाने पे काफ़ी खतरा था क्योंकि वो एक ओपन प्लेस था और यहाँ पे जो बंदे थे उनको मारने में ज़्यादा हमको ईजी होती। खैर यहाँ पे वो आपस में लड़ने लग गए तो बाकी का फ़ायदा मैंने भी उठा लिया। यहाँ पे इनके आधे बंदे तो मर गए थे, बाकी का फ़ायदा मैंने उठाते हुए इनको मार दिया। अब बारी थी यार उस पेड़ वाले की जो कि हमको पहले ही पता था कि वो पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। अब क्योंकि वो वहाँ से पीछे भी नहीं जा सकता था आगे भी नहीं, तो मैंने यहाँ पर फ़ायदा उठाया। तो यहाँ पर ये बोट को तो पहले मैंने हटा दिया क्योंकि ये मेरे को तंग करता बार बार। अब बारी थी यार सामने पेड़ वाले बंदे की, यहाँ पे आके मैंने कंफर्म किया कि वो पेड़ के पीछे है कि नहीं, तो मुझे फर्स्ट स्टेप से तो अंदाज़ा हो गया कि है तो वो पेड़ ही के पीछे। अब मैंने अपने टीममेट को कवर दिया, मतलब बोला कि कवर देना मेरे को, बाकी देखते क्या होता है। तो ये भाई साहब जो है रिफ्लेक्स दिखा रहे थे हमारे सामने, मतलब इधर पीक उधर पीक, तो भैया ये होता है कम लीक के अंदर। तो फिलहाल तो ये भाई साहब को पेल दिया। अब यहाँ पे उतरते जो है मेरे को गन मिली थी एक, उसका मैंने अच्छा फ़ायदा उठाया यहाँ पे। और कहीं ना कहीं ये आपको भी चांस मिलता होगा कि उतरते आपको गन मिल जाए, लेकिन मैंने जो अपनी टीम में नोटिस किया या एक्सपीरियंस के दम पे जो नोटिस किया, ज़्यादातर लोग यही डिसाइड करते हैं कि वो जो है और लूट करेंगे, वो जो है हेलमेट ढूंढेंगे, वो जो है नेट ढूंढेंगे, लेकिन कभी कभार आपको जो है ये चीज़ छोड़नी पड़ती है और सोचना पड़ता है कि भैया अगर आपको गन मिली है तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए आपको, क्योंकि आप भी जब मर जाते हो तो शायद किसी ने ऐसा ही फ़ायदा उठाया होगा और उसने चांस को भुनाया होगा, तो आपको भी ये चीज़ करनी चाहिए। खैर उसके बाद जो है उधर जो टीमें होती हैं हमें अपनी, हम दो दो के गुट में बढ़ जाते हैं अक्सर टीम के अंदर, और वैसा ही हुआ। मेरा एक टीममेट मेरे साथ था, बाकी के उस तरफ दो लड़ रहे थे, वो भी अपना काम कर रहे थे, हम तो करके आ चुके थे। खैर अब बारी थी यार उनकी हेल्प करने की, तो हेल्प तो उनको शायद चाहिए ही नहीं थी क्योंकि हमारे पहुँचने से पहले ही उनने पूरी टीम को वहाँ पर जो है समाप्त कर दिया था। अब शायद पूछेंगे में कोई भी नहीं था क्योंकि उस तरफ की टीमें हमने खाली कर दी और इस तरफ की टीमें इन दोनों ने खाली कर दी, लेकिन कहीं ना कहीं यार एक बंदा तो अभी भी बचा हुआ था। इसका अंदाज़ा हमको अभी नहीं हुआ लेकिन बाद में हो जाता है जब मैं यहाँ पे लूट करने पहुँचता हूँ। अब यार यहाँ पे मेरे को हल्की सी फुटस्टेप आती है पीछे कि हाँ इस तरफ कोई तो बंदा है जो TPP ले रहा है, और चेक करने जाता ही हूँ कि भैया भाई साहब तो छुपते भी नहीं है, मतलब खड़े हैं तो खड़े हैं ही, मतलब उधर ही। खैर इनको मार दिया और इनके पास भी AKM थी, तो इसका मतलब ये है कि भैया इस मैच में AKM बैरल इन गन्स के स्पॉन रेट कुछ ज़्यादा ही है। तो मैं जो है हैवी गन्स यूज़ करता हूँ जैसे कि AKM बैरल वगैरह वगैरह और स्प्रे के लिए M4, तो मेरे लिए तो ये एक बढ़िया मौका था कि भैया हम जो है अपना चांस भुना लें। खैर यार कुछ लोगों के क्वेश्चन के जवाब भी दे देते हैं यहाँ पे। बहुत से लोग बोलते हैं कि भैया रिकॉइल हैक कर रखा है वगैरह वगैरह, रिकॉइल कैसे नहीं होता। तो दो चीज़ें हमेशा याद रखना, मैं खेल रहा हूँ एक आईपैड में जिसका स्क्रीन है लगभग 9 इंच या 10 इंच जो कि मोबाइल से ऑलमोस्ट डबल बड़ा होता है इंच के मामले में, और अगर देखा जाए नॉर्मली मतलब साइज़ या देखा जाए तो पूरा साइज़ के मामले तो 3-4 गुना बड़ा होता है। और ऐसे में जो है रिकॉइल कंट्रोल करना आसान हो जाता है लेकिन इतना भी आसान नहीं होता जितना आप लोग को लगता है। उस पर जितना अंगूठा खींचना पड़ता है हमको नीचे की तरफ, उतना तो पूरा मोबाइल की स्क्रीन भी नहीं होती, यानी कि 2-4 इंच तो हमको अंगूठा ही खींचना पड़ता है रिकॉइल कंट्रोल करने के लिए। और मैं एक फुल जायरो प्लेयर हूँ, यानी कि मैं इतने बड़े आईपैड पे एक जायरो खेलता हूँ, मतलब फुल जायरो। आपने कभी नहीं देखा होगा किसी आईपैड प्लेयर को जायरो खेलते हुए, लेकिन मेरी पूरी स्क्रीन जो है आप हिल रही होती है। मेरे को एक स्प्रे करने के लिए लगभग लगभग आधा घूमना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे में इसको कंट्रोल करना। और कभी कभार तो मैंने आईपैड को जो है ऐसे स्प्रे देते देते किसी के दूसरे के मुंह पे भी मार दिया था, तो
खैर यहाँ पे फिलहाल आए तो इधर टीम थी, और मेरे ऊपर जाने से पहले ही जो मेरे टीममेट थे उनने उस टीम को ख़त्म कर दिया, तो मेरा तो ऊपर जाने का मतलब ही नहीं बनता। खैर बात की जाए तो यहाँ से, यहाँ पे मैं आपके साथ बहुत सारा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। अब फिलहाल जो है सामने एक गाड़ी दिखती है, और यार ये वाली गाड़ी तो मतलब पेल दी जाती है बहुत गंदे तरीके से। एक और दिखती है उसके बाद, और यार इस गाड़ी का भी वही हाल होता है जो पीछे वाली गाड़ी का हुआ था। ये वाली गाड़ी भी बहुत गंदे तरीके से पेल दी जाती है। तो पहला रूल ये है यार गाड़ी में फाइट करने के दौरान, कि जितनी जल्दी हो सके अपने आप को इजेक्ट कर लो, दूर कर लो या कवर में कर लो, क्योंकि भैया गाड़ी पे चार लोग स्प्रे देते हैं और फिर क्या होता है गाड़ी का आपको पता है, बूम हो जाती है गाड़ी। इसलिए हमारे सब टीममेट उतरते ही रुक गए थे, मतलब उतरते ही इधर उधर स्प्रे में फैल गए थे। खैर उसके बाद आते हैं हम ये वाले ड्रॉप पे, जहाँ पे ऑलरेडी कुछ बंदे इस ड्रॉप को लूट के भाग रहे होते हैं। अब मैंने गाड़ी को उनसे दूर ले गया क्योंकि शायद उनके पास अच्छे वेपन्स हो सकते थे और वो हमको उतार सकते थे गाड़ी से इजीली, तो हम खुद उतर गए और अब बारी है उनको उतारने की। तो यार ये दो बंदे जो इजीली पेले गए, और यही होता है अगर आप अपनी टीम से अलग होके ड्रॉप लूटने आते हो। अगर ये चार होते तो शायद यहाँ पे ऐसा ना होता, यहाँ हमको ये मार देते, लेकिन ऐसा नहीं था। इनके दो बंदे पता नहीं कहाँ रह गए, और ये जो दो बंदे ड्रॉप लूटने आए थे ये हमारी टीम के हाथों पेल दिए गए। खैर उसके बाद एक और टीम आ जाती है सामने वाले घरों में, जो ये डिसाइड करती है कि वो वहाँ से हम पे फायर करेगी, लेकिन अब यार ये वाली टीम को हमने अभी जस्ट समाप्त किया ही था कि पीछे एक और गाड़ी आ गई है, और यहाँ पे जिनके पास हेल्थ थी वो गए वहाँ पे सबसे पहले तो गाड़ी को थोड़ा सा उन पे प्रेशर बनाने, ताकि वो हम पे चढ़ के अटैक ना कर दें। और उसके बाद यार मैंने भी अपनी हेल्थ पूरी कर ली थी, तो मेरा भी कुछ बनता था अपनी टीम के लिए। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, मेरे दो टीममेट इस तरफ से आए, एक टीममेट उस तरफ से, और बीच में से आया मैं, तो ये टीम जो है चारों तरफ से कंफ्यूज हो गई कि किस तरफ पहले फाइट करें। तो ऐसा आप भी कर सकते हो अपनी टीम के साथ, जब आप ऐसा मतलब किसी भी जगह ऐसी जगह पे फंसते हो, आप अलग अलग या अलग अलग तरफ से फायर कर सकते हो, फाइट कर सकते हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो दूसरी टीम के अंदर। खैर उसके बाद जो है एक बंदा यहाँ पर हमको क्रॉस करते हुए दिखता है घरों की साइड, और सिंगल वो होता है तो ईजिली पेल दिया जाता है। ये बंदे को देख के लग रहा था कि ये तो ऑलरेडी हिम्मत हार चुका है कि अब तो इसको मरना ही है, लेकिन फिर भी कुछ तो फाइट कर ही सकता था, शायद ही मेरे को नॉक कर देता, और इतना ही बहुत था यार। उसके बाद सिर्फ 13 बंदे बचे थे, और हम सिर्फ ये कोशिश कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी इस मैच को ख़त्म किया जाए, और ये मैच खुद ही ख़त्म हो रहा था तो हम भी क्या करते, बंदे बहुत कम बचे थे, ज़्यादातर टीमें जो है पहले ही हमने मार दी थी और टीमें तो बची ही नहीं थी। खैर एक बंदा और शो होता है हमको यहाँ पे, और गाड़ी रुकते ही वो हम पे ही अटैक कर देता, तो ये कुछ बढ़िया था, लेकिन अफसोस वो एक गोली भी नहीं चला पाता। अब हमारी कोशिश यहाँ पे ये थी कि 12 बंदे बचे हैं, यानी कि 3 टीमें तो ऑलमोस्ट बची हुई हैं, जिनमें से एक टीम हम हैं, और ऐसे में लोग सिंगल सिंगल हमको शो हो रहे थे तो टीमों को ढूंढना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन एक टीम हमको फिर भी यहाँ पे दिख जाती है और काफ़ी अच्छी फाइट देती है, लेकिन मारी जाती है वो टीम भी। वो देख मैंने किसे नॉक करा, मूसा भाई को। खैर हमने ज़्यादा अग्रेसिव होते ज़्यादा आगे नहीं गए, हमने पहले पूरी सिचुएशन को समझा कि यहाँ पे कितने लोग हैं, कितनी टीमें हैं और कहाँ कहाँ हैं। जब इस चीज़ का पूरे अच्छे से अंदाज़ा हो गया तो हम जो है धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। यहाँ पे एक बंदा मुझे पहले शो हो गया था, उसका मुंडी जो है मेरे को ब्रोकन वॉल के पीछे दिख गया था, ग्लिच था या वो खड़ा हुआ था पता नहीं जो भी है, लेकिन मैंने उस पर मॉली फेंक दी ताकि वो पीछे हट जाए, और यही मेरे पास बढ़िया मौका था इस घर के अंदर घुसने का, जो कि मैं घुसा भी। और उसके बाद जो है मेरे दूसरे टीममेट भी दूसरी तरफ से जाने लगे, और ये आपकी टीम के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। खैर उसको मार देते हैं। तो अगर आपको किसी भी टीम को एज सुन एज पॉसिबल वाइप करना है, तो सबसे पहले आपकी टीममेट्स के अंदर खुद ही अकल होनी चाहिए,
कि सिचुएशन के अनुसार कैसे खेलना है। कुछ लोग होते हैं जो टीम लीडर के पीछे 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 जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा वहाँ पे अपनी समझ का यूज़ करते हैं। तो ऐसी टीम के साथ खेलना भी आपके लिए ज़्यादा बढ़िया होगा, जो खुद अपनी समझ का यूज़ करे कि कहाँ से किस पे अटैक करना चाहिए। खैर यहाँ पे कुछ ज़्यादा आध्यात्मिक ज्ञान मैं देने लग गया हूँ, तो यहाँ पे एक टीम दिख जाती है, उसको भी वाइप कर देते हैं। अब उस टीम का तो क्या ही कहना, मतलब इजीली खैर ये वाली टीम भी पेली गई। अब आप अगर अलाइव पे नज़र डालो तो हम चारों के अलावा सिर्फ एक एनिमी बचा हुआ था, और सर्कल अभी भी काफ़ी बड़ा था, और उस एक एनिमी को ढूंढने के लिए हमको इस पूरे जोन के 5 से 7 चक्कर काटने पड़े। मतलब क्या ही बताऊँ। अब आपको यहाँ पे ये गैस करना है कि आखिरी जो एनिमी है मुझे उसकी लोकेशन कैसे पता चलती है कमेंट के अंदर। जिसने सही जवाब दिया, देखते हैं कौन सही जवाब देता है। आखिरी एनिमी इसके अंदर है, और आपको गैस करना है अब कि मुझे कैसे पता चला। तो यार ये गैस कर सकते हो आप कमेंट के अंदर, और देखते हैं कौन जो है बंदा सही गैस करता है इस चीज़ को कि आखिरी एनिमी की लोकेशन मुझे कैसे पता चला कि वो उस शैक के अंदर ही है। कर होप तो आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, और कुछ आध्यात्मिक ज्ञान जो मैंने दिया आपको बढ़िया लगा होगा। अब देखो यार, बहुत सारा एक्सपीरियंस है पबजी खेलते खेलते, पिछले 1.5 साल से खेल रहा हूँ और खेलते ही आ रहा हूँ लगातार। अब क्योंकि ये काम ही बन चुका था और रोज़ खेलना ही पड़ता है, तो ऐसे में कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा। भले ही मैं जो है प्रोफेशनल नहीं खेलता, क्योंकि ये मेरी ही मर्जी है कि मैं प्रोफेशनल ना खेलूँ, मेरा इंटरेस्ट जो है किसी दूसरी तरफ है, तो वो मैं आपको आगे कुछ वीडियो में शो कर दूँगा कि क्यों हम जो है ई स्पोर्ट्स ट्राई नहीं करते। तो इसके अलावा यार फेसबुक भी है, फेसबुक नहीं वो तो पुराना हो चुका है, तो इंस्टाग्राम भी है जहाँ पे जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, जिसको कुछ ज़रूरी बात या अर्जेंट बात करनी हो तो आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, लेकिन कुछ ज़्यादा अर्जेंट हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। लेकिन अगर कुछ लोग होते जो हाय हेलो बिग फैन ये करेंगे तो उनको रिप्लाई नहीं हो पाता। हाँ, अगर आपको कुछ बड़ा मैसेज या कुछ ज़रूरी मैसेज करना है तो आप एक ही बार में टाइप करके भेज सकते हो। भले ही रिप्लाई ना दे पाऊँ, लेकिन सबके मैसेज पढ़ता हूँ, और जिसका जरूरी हो तो रिप्लाई भी दूंगा। खैर मिलते हैं ऐसी कोनी वीडियो में। तो यार क्या करो यहाँ पे, जाओ ना, जाओ।